विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर विभिन्न आदिवासी संगठनों के बैनर तले पारंपरिक वेशभूषा में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान यात्रा में आदिवासी समाज के युवक युवतियों द्वारा मनमोहक पारंपरिक नृत्य प्रस्तुत किया गया। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर हर साल 9 अगस्त को पूरे देश भर में आदिवासी समाज व जनजाति से जुड़े लोगों द्वारा बड़े ही हर्षोल्लास के साथ संस्कृति, सभ्यता, साध्वियों, समाज और पर्यावरण के प्रति उनका विशेष योगदान और लगाव जुड़ा रहता है। इस दौरान युवाओं में पर्यावरण संरक्षण को लेकर विशेष भूमिका देखी गई। साथ ही इन आदिवासी समाज के लोगों को भारत देश में पर्यावरण संरक्षण के लिए विशेष रूप से अधिकार दिया गया है। इसके चलते हर वर्ष विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आदिवासी समाज से जुड़े विभिन्न संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से मिलकर इस आयोजन को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता रहा है और शहर के मुख्य मार्ग से अपना भव्य शोभा यात्रा निकाल आम लोगों के बीच पर्यावरण को बचाने का संदेश दिया जाता है। इसी कड़ी में ये संदेश आम जनमानस के बीच दिया गया। इस दौरान भिलाई शहर में निकली भव्य शोभा यात्रा में शामिल समाज के युवाओं द्वारा पारंपरिक वेशभूषा में अपनी परंपरा से जुड़े नृत्य कर खुशी मनाई गई। भिलाई के सेक्टर 1 सांस्कृतिक भवन में आयोजित कार्यक्रम में सभी आदिवासी समाज के बैनर तले बेहतर कार्य करने वाले पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को सम्मानित भी किया गया। बता दें कि आदिवासी समाज के लोगों को भारत देश में पर्यावरण संरक्षण के लिए विशेष रूप से अधिकार दिया गया है। इस दिन का महत्व संयुक्त राष्ट्र द्वारा ये प्रयास किया जाता रहा है कि युवा आदिवासियों के अधिकारों के महत्व को उजागर किया जाए और उनके मूल निवास घर को ना छोड़ा जाए। आदिवासी और आदिवासी लोग विश्व के 70 देशों में रहते हैं। इन लोगों की अपनी अपनी सांस्कृतिक परंपरा, अपनी रिवाज और अपनी अलग ही दुनिया है जिसमें वे अपने संसाधन पर्यावरण से लेते हैं। सिर्फ भारत की बात करें तो लगभग 10 करोड़ 40 लाख लोग यहाँ रहते हैं। ये संख्या देश की आबादी का लगभग 8% है। भारत के युवा आदिवासी मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में निवास करते हैं। ये आदिवासी दिवस छत्तीसगढ़ के लिए और भी आदिवासी जातियों के लिए गर्व की बात होती है। तब यहाँ के स्वयं मुखिया वर्तमान में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय स्वयं इस धरोहर के समाज व मूल निवास से जुड़े हैं। इस संबंध में अशोक कुमार कंगाले, अध्यक्ष रिसाली गोंडवाना समृद्धि समिति ने जानकारी दी। ये आदिवासी मंडल प्रतिवर्ष हम लोग मनाते हैं दिवस को। ये आदिवासी मंडल के तत्वावधान में हम लोग संयुक्त रूप से दुर्ग विलय में हमारे 6-7 संगठन है, सब मिलके आज का दिन मनाते हैं। और ये दिन को सविता संघ ने हमें दिया था आज का दिन 9 अगस्त, क्योंकि हमारा आदिवासी समाज पर्यावरण संरक्षण के लिए तत्पर है, क्योंकि हम लोग प्रकृति के पुजारी हैं। तो इस तरह से हमारे अधिकारों की रक्षा के लिए, हमारे पर्यावरण संरक्षण के लिए और हमारे विशिष्ट संस्कृति के लिए ये दिन को जैसे कि ये गौरव का विषय है कि हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय श्री विष्णुदेव साय जी जो हमारे आदिवासी समाज से आते हैं, हमें उनसे बहुत सी अपेक्षा है। चूंकि वो खुद एक आदिवासी है तो हमको लगता है कि हमारी जो पीड़ा है, हमारी संवेदना को अच्छे भलीभांति समझेंगे और हमारी बातों को ऊपर तक लेके जाएंगे और उनके जो अधिकार क्षेत्र में होगा उसको जरूर वो पूरा करने के प्रयास करेंगे। मैं अशोक कंगाली, अध्यक्ष रिसाली गोंडवाना समृद्धि समिति रिसाली। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।